गाइस आज हम बात करने वाले XR OLED प्रोसेसर एंड OLED टेक्नोलॉजी के ऊपर में, जो आपको सामने टीवी दिख रही है, ये OLED की चार वेरिएंट में आती है, 55, 65, 77 और नया एडिशन इस साल 2023 में ऐड हो गया है 83 इंची का। सो काफी बड़ी रेंज है इसके अंदर में टीवी के। ये बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ आता है, XR क्वालिटी प्रोसेसर के साथ आता है, XR कंट्रास्ट है, XR ट्राइल्यूमिनस है, XR आपको OLED मोशन फ्लो है, XR स्केलिंग है, आपको नॉर्मल जी पिक्चर को आप स्केलिंग करता है, XR आपको साउंड है, इनहांसमेंट है। ये गाइस 4K 120 FSP के साथ में है, ब्रेविया कोर टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती है, नेटफ्लिक्स कैलिब्रेशन इसके अंदर आती है, IMX इनहांसर आती है, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमोस एंड बहुत सारी चीजों के साथ आपको 3D साउंड स्केलिंग के साथ में है। इसके अंदर में 5 आपको स्पीकर लगे 10-10-10 वाट की, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ये ऐसी टीवी है गाइस, स्क्रीन से साउंड आती है, तो बहुत सारी चीजों के साथ मिक्स होकर प्रोडक्ट है। ये बहुत सारी अवार्डेड है इनोवेशन, आपको 2022 की बहुत सारे इनोवेशन अवार्ड इसको मिल चुकी है। ये इनकी टेक्नोलॉजी की प्रकाष्ठा है, सोनी की आपको प्रीमियर देखने की कोई इच्छा रखते हैं तो आप इस टीवी को देखेंगे। ये ब्लैक कलर दिखाने में महारत रखता है, रिच साउंड आपको मिलने वाली इस टेक्नोलॉजी के अंदर में। तो गाइज मैं आपका दोस्त एंड होस्ट, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। OLED 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 why OLED is better than LED guys? LED पहले आई है, जो पहले टेक्नोलॉजी है, उसके बाद OLED है। OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड है, LCD को LED को आप लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है, जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये OLED का है। इसमें बेटर ब्लैक दिखता है, रिच ब्लैक दिखता है और कंट्रास्ट रेशियो काफी बैलेंस में दिखता है। इसके वजह से 2 ब्लैक देखने की जो कैपेसिटी होती है आपको OLED में मिलता है। तो गाइस मैं थोड़े में समझाने की कोशिश करूंगा कि OLED क्या है और LED क्या है। तो LED पहले बनी है, जो सामने आपको दिख रही है LED है, जो बैक साइड आपको दिख रहा है वो OLED का बैकलाइट लाइट बनी है। उसके सामने कलर फिल्टर है जो RGB है, इसके बैक साइड से जब लाइट जलती है तो सामने से तीनों कलर का कॉम्बिनेशन से आपको पिक्चराइजेशन कलर बनता है, पिक्चर बनता है, जो इसको पिक्सल बोलते हैं वो पिक्सल जनरेट होता है। ये सेम टेक्नोलॉजी आपको OLED के अंदर भी होती है, OLED के अंदर भी टेक्नोलॉजी वाइज ये सेम ही होती है। ओनली फर्क ये होता है, जो बैक साइड आपको LED लाइट दिख रही थी वो बैक साइड LED की लाइट नहीं होती है उसके अंदर में। जो RGB है वो आपको ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट होता है, जिसके अंदर में ओन लाइट इमिटिंग का टेक्नोलॉजी होता है। आप उसके अंदर में जब भी जरूरत पड़ने के अनुसार अपनी आप ही वो बैकलाइट जल जाती है, तो बैकलाइट की जरूरत नहीं होती है, उसके अंदर लाइट अपने इमिट हो जाती है। इसके वजह से जो LCD पैनल होता है उसके आजू बाजू के कंप्लीट ग्रे दिखते हैं, बिकॉज को जो डिमिंग कंट्रोल है वो बहुत बेटर नहीं हो पाती है। OLED में आप देख रहे होंगे बाजू में आप जो कंपोनेंट है वो काफी क्लियर है और बैक साइड आपको ब्लैक दिख रहा है। 2 ब्लैक दिखाने की जो कैपेसिटी है OLED होती है, इसके वजह से इसकी कंटेंट और क्लियरिटी काफी बेटर दिखने लगती है। ये OLED का टेक्नोलॉजी है गाइस। आपको अभी एक पिक्चर दिख रहा होगा जहाँ पे लाइट की जरूरत है, सेंटर में वहां दिख रही है, बाकी दोनों साइड आपको 2 ब्लैक दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड OLED गाइस। गाइस काफी इंतजार के बाद इसके अनबॉक्सिंग का हाथ लगा है, बिकॉज कि जब भी मैं इस प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करने की कोशिश किया हूँ कोई ना कोई बंदा ले लिया मुझे। कई बार तो शॉकिंग होता है, इतनी जबरदस्त इसकी हाई प्राइसिंग होने के बाद भी कस्टमर को यही प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो फटाफट गाइस अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इनसाइड में क्या क्या। तो गाइस अनबॉक्सिंग हो भी चुकी है, एक बार कंटेंट क्रिएट करते हैं। पावर केबल दी हुई, साथ में सॉफ्ट ऑफ यूजर मैनुअल है, जो आपको सर्विस कहाँ मिलने वाली है उस एड्रेस रहती है, डिटेल है। ये बैटरी ट्रांसिस से 2AAA की बैटरी लगी हुई है। ये रिमोट है गाइस, काफी चेंजिंग है इस प्रोडक्ट के अंदर में 2023 का दिखाने के लिए है। ये बोटल हिट आपको स्क्रू है, जो आपको वॉल माउंट करने में काम आता है गाइस। ये आपको जब वॉल माउंट करेंगे तो अपन यूज करेंगे इसको। इसके अलावा गाइस यहाँ पे वारंटी पेपर है, जो 2 साल की वारंटी पेपर है, इसको काफ़ी ढंग से रखना है। ये वारंटी पेपर के साथ में आपको इंस्टॉलेशन कूपन मिलता है, जो ये बॉटल नेट स्क्रू है। इसके अलावा जो वॉल पे ब्रैकेट लगना है वो कंपनी इसी ब्रैकेट के थ्रू देती है और इंजीनियर आपके घर पे फिट करता है। तो इंस्टॉलेशन आप कभी भी कराते हैं तो इंजीनियर के थ्रू कराएंगे, खुद करने की कोशिश नहीं करेंगे। डेमो कूपन है, आपको कंप्लीट टीवी का इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में इंजीनियर को बताना है, तभी आप सिग्नेचर करेंगे इसके साथ में। ये वारंटी कूपन है गाइज, इसको प्रॉपर ढंग से रखेंगे। ये सब टीवी है गाइज, एक बार टेबल माउंट कर लेते हैं। स्टैंड है बहुत, देखिए विदाउट स्क्रू होता है, इसके अंदर कोई स्क्रू नहीं लगनी है, जस्ट इसको इनसाइड करना है
और ये प्रेस कर देना है, लॉक हो गया गाइस। इतना ही काम करना है। ये आपको बेस के नीचे का है, ये आपको साउंड की ग्रिल लगी हुई है, यहाँ से साउंड एक्स बैलेंस स्पीकर इसके इनसाइड में है। ग्रिल है आपको हीट एडजस्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पावर बटन आपको दिख रहा होगा, जो पावर बटन आपको जॉयस्टिक फॉर्म में रहता है। इससे आप वॉल्यूम कम बेसी चैनल चेंजिंग बहुत सारे की और समटाइम रिमोट नहीं मिलता, यहाँ से काम हो जाता है। यहाँ माइक ऑन ऑफ करने की जगह है, समटाइम माइक आपका ऑन होता है। आप घर में गूगल ऐसा कोई वर्ड यूज करेंगे तो फटाक से एक्टिव हो जाता है, उस समय ऑफ रखेंगे आपको डिस्टर्बिंग नहीं होता है। और ऐसे भी आपको कभी हो सकता है कोई लगता है आपको सुन रहा है तो वैसे टाइम इसको ऑफ रखना चाहिए, आपके माइंड में ऐसे भी आते हैं। इससे ग्रिल है, फिर यहाँ आपको साउंड का पोजिशनिंग है। इसके अलावा दूसरा स्टैंड भी लगा लेते हैं गाइस, यहाँ स्टैंड दूसरा लगा लेते हैं, आपको दिख के लगेगा बहुत सिंपल स्टैंड फिटिंग है। इसके अंदर जस्ट प्रेस करके अंदर डाल देना है और जस्ट लॉक कर देना है। सो गाइस ये बैक साइड है, बैक साइड आपका जो डिजाइन है बहुत ही चिक्स दिख रहे होंगे, ब्लॉकेज दिख रहे हैं छोटी छोटी। इसके अंदर में गाइस यहाँ पे ब्लॉकेज में ओपन है जिससे आपको हीट बाहर होना है, आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं ये सब गैप है, इसके अंदर में आपको हीट बाहर होना है। जो अंदर पीसीबी गर्म होगी उसको एडजस्ट होने के लिए बनी हुई है, इतनी शानदार ढंग से डिजाइन है। ये आपको पावर प्लग की जगह दिखती है, वन स्लेट में दिखती है गाइस, जैसे लगता है सिंगल पीस में चीजें खड़ी। ये स्टैंड से लेके सब एक साथ ही माउंटेड दिखता है, काफी यूनिक दिखता है, चीजें जबरदस्त प्रीमेटी दिखती है। पीछे बैक साइड आपको देखे लगेगा, इसको आप सेंट्राइज में कहीं रखते हैं टीवी को तो आपको बैक साइड भी इसकी व्यू जो काफी शानदार दिखती है। यूएसबी पोर्ट आपको दो मिल जाती है इसके अंदर में। इसके अलावा आपको ऑप्टिकल पोर्ट है, जो ऑप्टिकल पोर्ट आपको नॉर्मली आप होम थिएटर यूज करते हैं 5.1 उसके लिए यूज होता है। हेडफोन लगाने की जगह गाइस, वीडियो इन करने की जगह मिल जाती है आपको। इनफैक्ट आप सेंटर स्पीकर प्लग करना चाहते हैं, जो अभी जो नई होम थिएटर आती है A9 और A7000 उसके अंदर में सेंटर कनेक्टिविटी करेंगे तो आप इस पोजिशन से कनेक्ट करके ऑडियो लेफ्ट राइट आपको सेंटर स्पीकर कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे HDMI की पोर्ट लगी है, जो चार पोर्ट आपको मिलती है, जो स्पेशली 2.1 वर्जन की पोर्ट है। HDMI 1 एंड 2 आपको 2.1 मिल जाती है। इसके अलावा जो है HDMI 3 जो है वो दुनिया की जो सबसे बिगेस्ट आज के दिन 4K 120 हर्ट्ज की जो कनेक्टिविटी मिलनी है आपको PS5 के लिए स्पेशली, वो कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट 4 में भी दोनों की पोर्ट की जो कॉन्फिगरेशन है 4K 120 हर्ट्ज की कनेक्टिविटी मिल सकती है। सो आज की इंडस्ट्री की सबसे हाईएस्ट कनेक्टिविटी जो पोर्ट है वो मिल जाती है। इसके अलावा गाइस जो 3 पोर्ट है HDMI 3 उसमें ERC पोर्ट और ARC दोनों मिलता है, जिसमें डॉल्बी एटमोस DTS आप यूज कर पाएंगे। ऐसे कोई होम थिएटर हाई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो आपको 3 में यूज करना है, PS5 आप 4 में लगा लेंगे। LAN पोर्ट मिल जाता है गाइस, LAN पोर्ट आपको दिख रहा होगा, पोर्ट आपको मिल जाता है, जो आज के दिन में नेटवर्क से कनेक्ट करके आप ऑपरेशन करना चाहते हैं इस टीवी को उससे करेंगे। एंटीना पोर्ट है, आप प्रोसेसर कनेक्टिव प्रोसेसर जो है वो आपकी सोनी की नाक है, ह्यूमन ब्रेन काइंड ऑफ प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर पिक्चर एंड साउंड की जो रियल कॉम्बिनेशन आपके सामने रखता है आपको मजा आने वाला है। इसके अंदर 4K पिक्चर की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको इंप्रेसिव साउंड की जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम ट्रूली डिफरेंट आपको बना के देता है पिक्चर। आपको जो प्रोसेसर वर्क करता है कैसे, आपको एनालिसिस फोकल पॉइंट क्रिएट करता है, जैसे जो फेस है उसके ऊपर में फोकल पॉइंट डिफरेंट एनालिसिस करने के बाद किस पॉइंट पे कहाँ किस क्लियरिटी देना है, ये ह्यूमन बेस्ड प्रोसेसर का काम है। उसको इनहांस करके डिटेल को आपको प्रॉपर पिक्चर सामने रखता है, जो आपको सामने पिक्चर दिख रहा है ये कॉग्निटिव प्रोसेसर का काम है। क्रॉस एनालिसिस ह्यूमन आपको न्यूमेरिक जो ह्यूमन बॉडी दिखता है उसके अंदर में ये क्रॉस एनालिसिस करता है, एनालिसिस करके इसीलिए इसको ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसर बोलते हैं। ये इस काइंड में वर्क करता है, आपको कंट्रास्ट कहां फेंकना है, कहां कलर देखना है, कहां एनालिसिस क्लियरिटी के करना है, किस पॉइंट में फोकल पॉइंट में फोकस करना है, ये सारी चीजें जो काम है वो एक साथ प्रोसेसर का काम है। पिक्चर कंट्रास्ट कलर एंड क्लियरिटी मोशन ये चारों वर्क में काम करता है। कंट्रास्ट आपको कहाँ इनहांस करना है प्रोसेसर समझता है, उसके अनुसार फिर वहां कंट्रास्ट को इनहांस करके आपको सामने देखता है। कलर रिचनेस जैसे ट्रायलुमिनस टेक्नोलॉजी है उसी की इनहांस टेक्नोलॉजी है, एक्सार ट्रायलुमिनस है, कहां कलर को रीच करना वहां कलर रीच करता है। आपको एक क्लियरिटी जहां बढ़ाना है, पिक्चर की क्वालिटी एनहांसमेंट करना, आप स्कैनिंग करना है वो पिक्चर को एनालिसिस करके इनहांस करता है। आपको सामने दिख रहा होगा जो बर्ड्स है उसकी जो जहां इनहांसमेंट की जगह है, जहां ब्लरिंग है उसको इनहांस करके पिक्चर को दिखाने की कोशिश करता है ये प्रोसेसर। मोशन फ्लो में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग कर रहा है वहां कहां आपको ऑब्जेक्ट को क्लियर मतलब
ब्लरिंग हटाना है, वैसे में ये XR प्रोसेसर वर्क करता है गाइस। साउंड के अंदर में बहुत जबरदस्त काम करता है, साउंड आने एंड साउंड पोजिशनिंग का जो काम है, क्योंकि इसके अंदर स्क्रीन के साउंड बाहर आती है, फाइबर वन साउंड निकल के बाहर आती है, आप स्केलिंग करता है 3D साउंड में। इसके अंदर में गाइस जैसा आपको पता है 50 वाट का तीन एक्चुएटर लगा है, तीनों कॉम्बिनेशन का दिख रहा होगा पोजिशनिंग, नीचे में डाउनग्राउंड में 2x बैलेंस का स्पीकर लगा हुआ है, तो 50 वाट का साउंड है ये, आपको एक्यूस्टिक सरफेस ऑडियो निकालता है, आपको लगेगा स्क्रीन से साउंड बाहर आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर इंडिकेटेड है गाइस। काफी जबरदस्त पिक्चर एंड आपको साउंड का जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है अल्टीमेट बनाता है इस टीवी को। ऑर्गेनिक एलईडी क्या होता है, जहां कंट्रास्ट की जरूरत है, जहां लाइट की जरूरत है वहां आपको लाइट दिखेगा और बाजू बाजू आपको डार्क हो जाता है। ये एलईडी की लाइट जो होती है, बैक साइड जो लाइट है, ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है वो ऑफ हो जाता है, उसकी पिक्सल ऑफ हो जाती है, जिसके वजह से आपको ट्रू ब्लैक दिखता है, ट्रू कंट्रास्ट दिखता है, आपको कलर कॉम्बिनेशन एंड बाकी चीजें कितनी ट्रूली एंड रियल दिखती होगी सामने से, इसके वजह से ये ओलीड जो है वो एकदम डिफरेंट होता है ऑर्गेनिक एलईडी। इसीलिए आप अच्छी पिक्चर अगर जाना चाहते हैं तो इससे बेटर नहीं नजर आएगी आपको। सामने जो पिक्चर दिख रहा है ये मेन पर्पस दिखाने का है कि आप जब ओरिजिनल में ओलीड देखना पसंद करेंगे, इस तरह की जब पिक्चर देखते हैं आपको एक लाइट जल रही है जैसा लग रहा है वहीं पे बल्ब जल रहा है, उसके बाजू वाले एरिया में एकदम डार्क ब्लैक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन निकल के आती है जिसके वजह से आपको कंट्रास्ट एंड पिक्सल आपको लाइट बल्ब की तरह एकदम चमकता हुआ दिख रहा है। ये स्टूनिंग पिक्चर जो है वो नॉर्मली एलईडी के अंदर पॉसिबिलिटी कतई नहीं हो सकती है, बिकॉज ये ओलीड का ही वीडियो है। काइंडली आप ऐसा समझिए कि ओलीड के लिए वीडियो ये बना है, और इस पिक्चर में इस तरह की जो वीडियो और इस तरह का जो अगर आप पिक्चर देखते हैं तो आपको ऑर्गेनिक एलईडी में ही देखने का मजा मिलने वाला है, बिकॉज ऐसी चमकती हुई पिक्चर जो है वो उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे XR प्रोसेसर जो है वो अपना कमाल दिखाता है, जहां जरूरत है जिस चीज की वहां कंट्रास्ट देता है, जहां डार्क करना है वहां डार्क कर ले रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये XR प्रोसेसर का। गाइस इस टीवी के अंदर नेटफ्लिक्स एंड ब्रेविया आपको कैलिब्रेशन मोड मिलता है, डेप्टी मोड मिलता है, जिसके अंदर में आप जब पिक्चर देख रहे होते हैं तो आपको ये जो पिक्चर बनती है वो किस कंट्रास्ट में देखना, किस ब्राइटनेस में देखना और आपके रूम के कंडीशन के अनुसार क्या ब्राइटनेस रखना है, ये आपको नेटफ्लिक्स एंड कैलिब्रेशन मोड होता है जो ब्रेविया के साथ ही जब आप मूवी देखते हैं नेटफ्लिक्स में तो ऑटोमेटिकली वो कैलिब्रेट हो जाता है और आपको वही चीज दिखाने की कोशिश करती है जो आप एक मास्टर एक टेक्नोलॉजी वाला बंदा जो आपका सेटअप कर रखा है वो चीजें आप सेंसर डिटेक्ट करके और आपको उसी मोड में ले आके दिखाता है, तो आपको एक परफेक्ट पिक्चर दिखता है। तो इस टीवी के अंदर आपको नेटफ्लिक्स कैलिब्रेशन मोड भी मिलता है, आपको एक डिफरेंट आपको नेक्स्ट लेवल का मूवी दिखाने की मजा मिलता है आपको। विजन एंड ब्रेविया कॉम्बिनेशन के साथ इसमें पिक्चर देख पाएंगे, डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस के साथ ये टीवी आती है। इसके अंदर जो पिक्चराइजेशन होती है गाइस, रॉ मूवी जो बनती है उसके अंदर में जो डायरेक्टर एक सेटअप करता है कि कहाँ कंट्रास्ट कहाँ ब्राइटनेस आपको बढ़ती है, वो चीजें आपको सिनेमेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। जब आप घर पे इसको लगा के पिक्चर देखते हैं तो आप सिनेमा हॉल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस आपको जरूरत है, जो आपके स्केलिंग करके वीडियो को दिखाना है, 120 हर्ट्ज पे जो पिक्चर आप देखते हैं और उसकी जो कंट्रास्ट ब्राइटनेस की जो जरूरत होती है वो एक डॉल्बी विजन सर्टिफिकेशन के अनुसार जब देखते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी आपको मजा आता है, वो जो सिनेमेटिक इफेक्ट मिल पाता है जो आप देखना चाहते हैं, इस टीवी के अंदर भरपूर आपको ये मजा मिलने वाला है। तो क्या ब्रेविया कोर मिलता है इस टीवी के अंदर में जो आपको 15 से 25 Mbps के स्पीड में नॉर्मली OTG प्लेटफॉर्म आप देखते हैं नेटफ्लिक्स या कोई भी टीवी आप OTG प्लेटफॉर्म है, ये सोनी का ओन OTG प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर में IMAX एनहांसर काइंड ऑफ मूवी देखते हैं और 80 Mbps तक की स्पीड में आप मूवी देख पाएंगे। तो यहाँ जो मूवी है वो इनलार्ज करके आपको पिक्चर दिखाता है, इनहांस करके मूवी दिखती है, DTS आपको सपोर्ट करता है इस OTG प्लेटफॉर्म में, तो आपको एक नेक्स्ट लेवल का सिनेमेटिक इफेक्ट मिलने वाला है गाइस। इस टीवी के साथ 10 मूवी क्रेडिटली फ्री मिल जाता है आपको, ये ऐसा नहीं है कि ब्रेविया को किसी और ब्रांड में चलने वाला, केवल सोनी के साथ ही मिलने वाला। ये स्पेशली परफेक्ट फॉर PS5 है, या आपको इसके अंदर 2.1 HDMI मिलता है, 4K 120 FPS एंड VRR ALLM आपका लो लेटेंसी मोड आपको सपोर्ट करता है ये टीवी। गेम मेनू आपको सामने जैसा दिख रहा है, कर्जर की सेटिंग करना है, स्क्रीन के साइज मेनू, ये सारी चीजें जो आप देखते हैं सामने, ये सारी चीजें जब आप PS5 प्लग करेंगे ऑटोमेटिकली आपको इनहांस हो जाता है, आपको HDR टोन मैपिंग, ये स्क्रीन साइज आपको छोटी हो जाती है, ये सारी चीजें आपको ये इनहांस हो गई। इस टीवी के अंदर
क्रिएटिंग फॉर रियलिस्टिक साउंड आपको मिलता है, क्योंकि ये साउंड आपको स्क्रीन के साउंड से पोजिशनिंग से बाहर निकलता है, जो ओरिजिनेट होता है कि लगता है ऑब्जेक्ट से, जिस ऑब्जेक्ट से साउंड बाहर आ रहा है वहीं से साउंड आता है, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है एक्विस्टिक सरफेस टेक्नोलॉजी है, आपको जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है, तीन आपको एक्चुएटर लगे हैं, नीचे दो आपको साउंड के एक्स बैलेंस स्पीकर लगे हुए हैं, उस एक्चुएटर के वजह से आपको स्क्रीन की जो पोजिशनिंग पे साउंड आनी है वो परफेक्टली आपको लगेगा, जिस ऑब्जेक्ट से निकल के आ रही है वहीं से साउंड आने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आप स्केलिंग करने की कैपेसिटी भी है, 5.1.2 साउंड आपको सराउंड करके निकलता है, तो नॉर्मल साउंड को भी आप स्केलिंग करके आपको स्क्रीन से साउंड बाहर आने वाली है, जो वर्चुअली जनरेट करता है 3D ऑडियो आपको स्केलिंग में, तो एक डिफरेंट साउंड आपको समझ में आएगी। गाइस सामने एक वीडियो प्ले करते हैं, आपको इससे समझ में आएगा कि स्क्रीन से साउंड कैसे निकल के आती है। एकदम से क्लियर, जहां साउंड मूवमेंट है वहीं से साउंड निकल के आता है, ये कमाल है आपको एक्विस्टिक मल्टी ऑडियो का। सो गाइस इसके साथ में ब्रेविया कैमरा आप एड ऑन कर सकते हैं, मैं कैमरा एड ऑन कर रहा हूं, इसमें प्लग करते हैं, इसको कॉन्फिगर करते हैं कैमरे को। इसके बाद में आपको जो पावर सेविंग टेक्नोलॉजी है, जो एक्विस्टिक एडजस्टमेंट पिक्चर है, आप जिस पोजिशन में बैठे रहेंगे उस पोजिशन में आपकी पिक्चर को एडजस्टमेंट एंड ब्राइटनेस कंट्रोल करके देगा, साउंड कंट्रोलिंग होगी। ये ब्रेविया केवल कैमरा वीडियो कॉल के लिए नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर में आपको मिलने वाली है, जो साउंड का भी एडजस्टमेंट करने वाला है इसके अंदर में, जहां जिस पोजिशन पे आप बैठेंगे उस पोजिशन पे साउंड निकल के आने वाली है। इस टीवी के अंदर में आपको दिख रहा होगा ब्रेविया कैमरे का पोजिशन क्लियरिटी दिखा रही है, इस पोजिशन पे आप रखना है, ये कॉन्फिगर कर लेना है। गाइस टीवी के साथ में अगर आप ब्रेविया कैमरा खरीदते हैं तो आपको बहुत कम प्राइस पर मिलने वाला है, ऐसे 17,990 इसकी एमआरपी है कैमरे की, लेकिन आप जब इस टीवी के साथ लेते हैं तो आपको मोटा मोटी प्राइसिंग जो है वो लमसम 799 के आसपास मिलती है, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। सो गाइस इस मोड को आप ऑन कर लेंगे, जैसे ये मोड दिख रहा है ऑटो एडजस्टमेंट पिक्चर एंड साउंड ब्रेविया कैमरा, इसको आप ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद सो गाइस कंप्लीट ब्रेविया के बारे में, अगर कैमरे के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे आपके मेरे ये वीडियो सामने दिख रहा है, आप यहाँ से प्ले करके कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं क्या क्या उसके साथ। सो गाइस इसके अंदर गूगल टीवी के साथ ये टीवी आती है, जिसमें 7 लाख के आसपास मूवी एंड 10,000 एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, इनहांस करके आप हार्ड ड्राइव कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। गाइस इसके अंदर आप गेम डाउनलोड कर सकते हैं, सामने जो गेम दिख रहा है, इसके अलावा आप PS5 अगर चाहेंगे तो उसकी जॉयस्टिक भी ऐड कर सकते हैं, मस्त गेमिंग खेल सकते हैं। इसकी स्पीड बहुत जबरदस्त काम आपको मिलती है, इसकी स्पीड जो आपको ऑलमोस्ट आप PS5 जैसे कोई बिगिनर यूजर है तो उसके लिए आपको PS5 खरीदने की जरूरत है, इसके अंदर भी बहुत सारे गेम डाउनलोड करके आप काफी स्मूथनेस मिलती है, इसका प्रोसेसर की जो पावर है उसके वजह से आपको काफी स्मूथ मूव करता है। तो गाइस इस टीवी के अंदर में आपको गूगल है, जिससे वॉइस असिस्टेंट जो आप क्लियरिटी है, जो एक्यूरेसी है वो परफेक्टली मिलती है, ये और ब्रांडों में ये चीज की कमी आपको मिलेगी, बिकॉज वो थर्ड पार्टी गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं, ये गूगल की टीवी है इसलिए आपको गूगल असिस्टेंट काफी प्रॉपर एक्यूरेसी में काम करता है। मैं अभी 6-7 फीट के डिस्टेंस में बैठा हूँ, चेक करते हैं। ओके गूगल आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, क्या चल रहा है आपके साथ? बहुत अच्छा चल रहा है गूगल, मुझे जानकर खुशी हुई, अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे बताएं। थैंक यू, प्ले कर रहे हैं, जिसमें आपको साइड एंगल ऐसे तो इस टीवी में मतलब नहीं बनता, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी एंगल में इस टीवी को आप देखेंगे आपको पिक्चर के अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इसकी
एक एक एलईडी की ओन पिक्सल की ओन लाइट होती है और वो ओन कंट्रोल होता है। सो किसी भी एंगल से आप देखेंगे कोई भी साइड नेगेटिविटी नहीं दिखने वाली इस टीवी के अंदर में, चाहे किसी भी डायरेक्शन आप देख रहे हो एकदम साइड में, अभी कैमरा में ले जाके दिखा रहा हूँ आपको, और वहां से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस कैमरे को एकदम साइड कर लिए हैं अपन। सो गाइस दिस इज परफेक्ट फॉर ऑल एंगल, किसी भी एंगल से इस टीवी को आप देख सकते हैं। फाइनली अगर ओलीड लेने का विचार है तो ये जो ओलीड है आपको सोनी का पिच ब्लैक एंड रिच साउंड अगर सुनना चाहते हैं, XR प्रोसेसर, ब्रेविया कोर, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 2023 में आपको मजा आने वाला है। तो गाइस इसमें चार वेरिएंट मिलने वाले हैं, 55, 65, 77 और 83 मॉडल है। मेरा लिंक गाइस नीचे दिया हूँ, वहां से परचेज करें, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है। आपको वीडियो गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। आपको कुछ पूछना है, गाइडलाइन लेना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।